तुम्हारी बिटिया की सगाई नहीं, मान लो कुलपत सिंह की बेटी की शादी होती है, कितनी रकम चाहिए बोलो। ठाकुर साहब मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ सिर्फ 5,000 रुपया दे दीजिए। 5,000? और मैं हर भा पलरा मजदूरी करने के बाद आपके पैसा वो तो हम जानते हैं एक ही पैसा चुका दूंगा ठाकुर साहब। देखो भाई हर को, आजकल के युग में जमाने में किसी का विश्वास नहीं होता है। जितनी रकम तुम हमने बोला ना कि जितनी रकम चाहिए उतनी ले जाओ। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लेकर मेरे पर्स से आ रहे है चिरक्का, 5,000 रुपये लेकर आओ। परेशान मत हो, इतने ही में अपना काम चल जाएगा। जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही ठाकुर कुलपत सिंह की बेटी। अरे यही तो उम्मीद लेके आया हूँ, यही तो। और जानते हो कि हम इस देवरिया में बहुत ही दयालु हैं। ये तो मैं जानता हूँ लंबरदार, आपका नाम ही सुनकर तो आया हूँ। मालिक बड़े दयालु हैं। दयालु बोला तो दयालु है हम, इन्हें दे दो 5,000 रुपये। हरखो ये लो रुपये, लेकिन सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? तो सबसे पहले यहां अपने दस्तखत करो, सबसे पहले यहां दस्तखत करो। दुनिया में देखी है ईमानदारी नहीं, माथे पर तो किसी के लिखा है नहीं, इसलिए देता हूं अब उधारी। देखो सलीम, इससे दस्तखत करवाओ, पैसे दे दो। सरकार अंगूठा है ना, अंगूठा लगा। और बाबा कौन चीज की कमी हो तो बताए। हाँ जौन हमारे पास हम जाहे ला कहन अंगूठा निशानी लगवा लो, 5,000 रुपये दे दो। विश्वास नहीं ना? अरे अरे क्या हुआ? अरे शायद रास्ते में कहूं छोड़ा ले। हमने बिचिलिया के कल देखो। ना 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 ना, पैसे तो पैसे दिया पैसा रुकियो, पैसे दे दो। अरे मालिक आप समझते नहीं ना, सबे समझते नहीं ना। अरे कौन छोड़ाई ले पैसा छोड़ा को लाई भाई। अरे रास्ते में आजकल बहुत चोर लगा था, दारू पिए वाले कहल रास्ते में मिल जा छोड़ाई ले। ये थूके से हमको लगा था रुपया सब गन गिल कट गई। अरे वही 2,000 वाली दे दे। हाँ ये कैसे दे? 5,000 तो नहीं। हाँ 5। दीदी 1,000 की नोट है, कहा तो दून ठैया है। ये
ये 2000 की नोट है। लंबा दांत है। 5000 देना। एक छुट्टा दे हेला। हे सली दो दो कितने हुए? दो दो तो 4000 दिया ना। ये 1000 और दे। छुट्टा दे दे मालिक। दे दे। कौन पढ़े? अरे किसे पूछता है? जब उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो साले पहाड़ा पहाड़ा रहा उसको। कितने पैसे रे? साले खजाना तेरे बाप का है कारे? मालिक शादी है बिटिया के। तो कितने पैसे? मालिक गिले के तो। अरे मालिक हम जान गए या फुसू का कहे ज्यादा। मालिक या कहे तो बुढ़ौना से कि ज्यादा दे पर बाद में हम पाले उठा दी। उसे 5000 दे। 5000 दे। 5000 दे। एक के दुई के तीन के चार के पांच के छह सात आठ पंद्रह बीस पच्चीस पैतीस चालीस एक एक। कितने पैसे दिए? चार पाँच पैतीस। एक दे चालीस पहुंच जाते। एक दे फिर एक से चालू करा था। अगले 85-86 में पहुंच गया। 75 या देखो 80 45 हर को लेकर जाओ। 5000 है। जाओ 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 ज्यादा हो जा। कौन दान दिया जाओ भैया तुम यही हो पूरे। अरे जाइए हो पूरे 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 का आठ है। जाओ जाओ ए भैया जाओ। अच्छा बताओ इधर आओ। ये लोग कहते तुम्हारे भानोई कौन है यहाँ पर? तुम्हारे भानोई कौन है? अबे अपने मौसिया का पहले पहचानो फिर भानोई कहे। तेरे भानोई कौन यहाँ पर है बता बोल। तुम्हारा दामाद तो नहीं ना खराब? दामाद नहीं था। एक काम करो बीरा सिंह हमारा इंतजार करता है। अब राइफल उठा चलते हैं। लेकिन याद रखना बीरा सिंह की शादी करवाऊंगा अपने बराबरी में। कुलपत सिंह का वसूल है कि शादी करता है तो बराबरी वाले को साथ करता है, रिश्तेदारी करता है तो बराबरी वाले को साथ करता है, दोस्ती करता है तो बराबरी वाले को साथ करता है, और दुश्मनी करता है ना रे चिरक्का तो बराबरी वाले को साथ करता है, क्योंकि कुलपत सिंह का वसूल है। हमने क्या कहा? हमारा नाम है कुलपत सिंह खुराना।
कुलपत सिंह खुराना मेरा दस्तूर है बिल्कुल पुराना। कहा था कुलपत सिंह खुराना, हमारा ससुर है पुराना, जूता पहने पुराना। यस। ए बिगाड़े राल कुटनी। कौन है? अरे बिगाड़े राल कुटनी, अरे सारा मोहल्ला बिगाड़े राल कुटनी। ठाकुर ने वादा किया है कि तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूं। इंतजार करते करते हमारी आंखें थक। आओ वीर सिंह, हम रेडी होकर आ गए। बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था बड़े ठाकुर। कहो चलना है दुल्हन ये देखने के लिए? बस अपनी ही रियासत में है। वो तो कहते हैं कि शुभ कार्य में देरी क्यों, बस आपका इंतजार था। लोहा गरम है, मार दो चोटा। ठाकुर साहब क्या अगर पैसा लेके आने भैया हो रहे हो? कल हमारे बेटिया के देखवाई है और हम सोची थी कि बेटौना से कह दे कि कुछ सौदा उदा लिया हुआ सामान वामान। कहो रफीक चचा, ठीक आई कि ना ठीक आई, बन जाए का? हाँ बना दी हो भाई, देखी जुगाड़ बन जाए तो ठीक है। ससुर नाश्ता में तो बाबा कुछ है कि नहीं? नाश्ता तो दादा भाई नहीं ले आने। और जो नो बाबू के लड्डू बना रहे कहाँ रखे? वही दो एक ठो धरे हुए हैं, बाकी तो खाएगी। बाकी खा डाले? अरे कुछ हुआ आपका लड़का वा खाए दो एक ठो, हम हो खा डाले। ये बसार बैलान तो हमारा और इज्जत ले ली से बेटा वा। लंबदार कहिए एक बात कही। अरे गरीबों के घर में है तशरीफ लाए, हरखो
जानते हो कि हमरा जब कोई पर्सनल काम पड़ता है, हमें वीर सिंह हमारा दोस्त है, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और मुझे अपनी बेटी से पहले मिला बिटिया तुम्हारी। अगर हमारे पसंद तुम्हारी बिटिया होगी ना, हमारे पसंद कर होगी बिटिया तुम्हारी, और नहीं शादी में देर पड़ती। मेरी बेटी को देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, हम देखने के लिए आए। हमरा हमरा दोस्त वीर सिंह है। बोलो आओ बिटिया को। बोलो तो जा, हमने बिटिया फुलवा का लिवाला दादा जा रहे हैं, बिट्टी फुलवा का साथ में लेके आ रहे हैं दादा। ये सब नौकर है हमारे, नौकर है, इसीलिए ये उतावले हैं आपके। ये वीर सिंह मेरे दोस्त है ना, क्यों नहीं, हमारा जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त नहीं हमारा दहना हाथ है। मार जैसे जान पर खाए जा रहा था वैसा ठाकुर साहब रंग का नाश्ता सा दिया लखा जी नहीं दिया काया हो की करा था ना लंबदार जल खा के पानी पी लेते हो ए भैया ए जल खा के पानी पी लेते फरखू। देखो हम तुम्हारी बिटिया को देखने के लिए आए हैं ना, अगर चेहरे पे घूंघट रहेगा तो हम कैसे देखेंगे, इसे बोलो कि थोड़ा घूंघट हटा दे। Thank you.
देखू हमें तुम्हारी बेटी अति सुंदर लगी। आप जब कहें हम बारात लेकर वीर सिंह की बारात लेकर आपके द्वार आ सकते हैं। ये आप क्या कर रहे लंबरदार? क्यों या काहे मजाक कर रहे थे? अरे हम वीर हमरा दोस्त है। इतनी बड़ी काहे हमका गोली मारा थो? गोली मार देते लंबरदार। क्यों क्या हुआ? अरे कहा हम कहा आप कहा आपके वीर देखो और को। अरे बीरा कहा हम कहा वह छोड़ दो, अब हम तुम बराबर के रिश्तेदार हो रहे हैं। अरे बिटिया को भेज दो। बराबर के रिश्तेदार हो रहे हैं। अरे तो हाथ मिलाना चाहिए तुम्हें तो। देखो घबराओ नहीं, हमारे दोस्त की पसंद हमारी पसंद। हम अपने दोस्त को लेके आए हैं सिर्फ दुल्हन को दिखाने, और तुम्हारी बेटी पसंद है। अब हमारे दोस्त तय करेंगे कब बारात लेके आ जाए, बस घबराओ नहीं। बताओ कब लेकर आए? लंबरदार आप तो जानते हैं मैं पंडित दंडित से मुहूर्त निकालने के बाद आपको अवश्य बता देंगे। ठीक है यार को क्या करेगा बेटी हुआ करे साले चौपट कटे करे। देखो यार को परेशान मत हो, जितना भी खर्च लगेगा ये ठाकुर कुल पश्चिम करेगा, इधर का भी उधर का भी, टेंशन मत लेना। शादी बीरा सिंह की, ये समन्ना की शादी बीरा सिंह की नहीं, शादी ठाकुर कुलपत सिंह की हो रही है। बहुत अच्छी बात, अभी नसीब चलते हैं। घबराओ नहीं, अरे हम तुम बराबरी के रिश्तेदार हो रहे हैं। ठीक है चल रहा हूं, और ऐसे ही मुहूर्त मिल जाए फौरन मुझे खबर करना, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है लंबरदार, हम बड़े ठाकुर को दुल्हन दिखाने लाए हैं, बड़े ठाकुर की पसंद हमारी पसंद। अब रिश्ते में तो हमारे ससुर हुए, इसलिए हाथ मिलाना ठीक नहीं है। बिरजुआ, ओ बच्चा बिरजुआ, न जाने कहां सार मर गवा हो। दादा हमका लागत है कहूं घूमे नहीं कर गया है, कतो ये ख्यातन पातन कहत घूमे चला गया हमका। अरे बच्चा इतना ये खराब हो गया है, ए बिचिया या कहां ना बिरजुआ। बिरजू हां, अरे बाबू बिरजू तो बकरी चराने गया है। बकरी चरा देता है? हाँ बाबू, भगवान चाहे कहो बकरी कहूँ बेची आओ, कहूँ लागत कहूँ खेत में आवे बेची आओ, का बकरी कहाँ छोड़ दी। अरे नहीं बाबू, आप तो खावा खा परेशान हो जाती हैं। अरे वो आता ही होगा क्योंकि सुबह ही गया है। अरे का करी बिटिया, हम उसे आज ही जा गए, वो पतन कहाँ हमरे करे पैदा होगा हमरे कोख में बैला सैला। नहीं बाबू ऐसा मत सोचिए। गंगा का तो भैया हो रहे, एक
पैदा करके हम इतना परेशान हैं क्या बताएं करे बिजुआ दी 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 करो सस यार रहियो उठियो तो बकरी कहाँ है जे दीदी ये बिमल ए ससुर बिरजुआ बापू बकरी कहाँ है जे बापू बकरिया प्रधान के खेत में पर गई रही हम कानी आज में पास भैया और सुनियो प्रकाश भैया मिलिए यही तरह के ले जाओ भाई तुम हो एक आर अब तक कहाँ रहे बापू बूट ले दिए हम पूछी थी कहाँ रहे तो है बकरियाँ चरावत रहे अरे ससुर जब बकरी चरावत तो बकरी कहाँ गई बापू बापू प्रधान है प्रधान के खेत में पर गए ना हम कानी आउज में बांध दिया प्रधान खेत में पड़ के रह गई बकरी चरावत को और का चरावत रहे बापू बापू ये डांटा ये डांटा है का डांटा डांटा नहीं 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 बापू बकरी शरावत तो रहा बापू बकरिया हम चरावत रहे बापू लुबु लुबु बकरिया करत रही हम सोचा के काली आदू बांधे यार कहा चप्पा दीदी के बिरजू काया बाने अरे बिरजू ये क्या बात रखा है दीदी एक चप्पल नारिया में बैठा ना और दूसरे चप्पल टाप बनाइल बादल अरे तू नहर बना रहा था बापू हमें लगता है ये नहर बना रहा था तभी बकरी प्रधान खेत पड़ी है अच्छा यह बता इसी ना बिरजुआ इसी ना अच्छा यह बता कितने बकरी चराते हैं कि नहर में नहात रहे बापू बापू बकरिया के टाइम तरत रही हम डुबकी लगावत रही